जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर अक्सर ही राजनीतिक गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वो हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां सरकारी धन का इस्तेमाल देश के विकास में कर रही हैं या अपने दल के विस्तार में। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है, संविधान ने हर दल को ये अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिविल सर्विस डे पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोक सेवकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देने का आग्रह किया और कहा कि उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो देश का धन लूट जाएगा। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है, वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान से कई राजनीतिक दलों पर करारा हमला बोला है। माना जा रहा है कि यह मोदी का इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था, जिसने देश में 70 सालों तक राज किया, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है ये देखना दिलचस्प होगा।